पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बांदा में भारी मात्रा में अवैध रूप से बनाई जा रही खाद को बरामद किया गया है। वहीं गोदाम से 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि शहर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि मवई बाईपास स्थित एक गोदाम में अवैध रूप से खाद बनाई जा रही है, जिसके बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने 2 टीमें गठित करके छापेमारी की तो गोदाम से भारी मात्रा में खाद की भरी और खाली बोरियां बरामद हुई। वहीं तिंदवारी रोड स्थित एक गोदाम में जिलाधिकारी ने खुद टीम का नेतृत्व करते हुए छापेमारी की। यहां पर भारी मात्रा में अवैध खाद बरामद हुई है, साथ ही नकली खाद बनाने वाले कुछ लोगों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। डीएम ने बताया कि छापेमारी के दौरान लगभग 3 टन खाद बरामद की गई है, जिसके कब्जे में लेकर लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा गया है और गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मवई बुजुर्ग में और इस स्थान पर, ये तिंदवारी रोड पर है, महादेव पेट्रोल पंप के सामने यहाँ पर छापा मारा गया हमारे अधिकारी ने, एडिशनल चीफ साहब ने, सिटी मजिस्ट्रेट ने, जिला कृषि अधिकारी ने। तो यहाँ ये पाया कि यहाँ तो पोल्ट्री फीड और डॉग फीड के अलावा कुछ और भी मटेरियल मिला है। पैकिंग मशीन है, खाली बोरे रखे हुए हैं, तो वो तो भी जाँच में पता चलेगा कि यहाँ क्या क्या चीज़ है। मवई बुजुर्ग में 3 गोडाउन मिले हैं, तो वहाँ पर फर्टिलाइजर बनाने का नकली फर्टिलाइजर प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है। इस समय पूरे प्रदेश में, पूरे जनपद में, हमारे बांदा जनपद में किसान परेशान है खाद के लिए। पुलिस लाठी चला रही है किसानों के ऊपर, लेकिन यहाँ भाजपा सरकार में पूरे जितने अधिकारी हैं मिली भगत से